Hello, my name is Swapna Jha, and the next video that you'll be watching is a report from Milkipur village that falls between Mirzapur and Chindoli. There is a bandargah construction happening right now, and bandargah in English means seaport, dock, harbour. Any of these words could be appropriate to use. Bandargah is usually being used for business purposes or trading, but it is important here to understand that development is a process and not a product. If considered a product, it comes at a cost, and here the cost is being paid by the Nishad community who is facing displacement but not receiving the proper compensation that it should. So you'll be watching it next, and it is important to highlight the sufferings and their opinion on this matter. कैसा लग रहा है? बढ़िया बंदर का बन रहा है, लेकिन बस्ती तो जोड़ रही है सर ना, तो दुख इसमें हो रहा है। ये बने इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये बस्ती उजड़ना दिक्कत हो रही है। बंदर का बनता है लोगों को आजीविका देने के लिए, ना कि किसी को उजाड़ने के लिए। मकान सर देख लीजिए, अब किनारे से लोग अधिकरण कर रहे हैं पूरे मकानों का, बताइए यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ सर? 300 रुपया कमाने वाले हैं सर, उसका अपना धंधा है, कमाते खाते हैं, 300 रुपया में क्या है? अभी इधर की जमीन का रेट भी सही नहीं दे रहा है। नहीं रेट सर, यहाँ रालूपुर है सर। तो देखिए आप बोल रहे हैं ये बाढ़ का जमीन? हाँ, बाढ़ का एरिया सर ये, लेकिन जो खरीद रहा है वो आपके समाज का नहीं है? नहीं, तट के उस पार तो वो आश्रम का जमीन है ना? आश्रम का जमीन है, तो वहाँ वो तगड़े व्यक्ति नहीं ना ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो फिर कहाँ? तो वो लोग से नहीं लेंगे, कैसे ले पाएंगे? आप तगड़े हैं, आपसे हम नहीं ले पाएंगे। आप लोग तगड़े नहीं? नहीं, हम कमजोर हैं। कैसे कमजोर? भाई हम लोग का बस जनसंख्या बल है, हम लोग विरोध कर सकते हैं, आए दिन अधिकारी परेशान कर रहे हैं। क्या बोल रहे? अब दूर आते हैं लोग। गढ़वा घाट के पास इतना जमीन कैसे आएगा? गढ़वा सर वो आश्रम के लोग जो है सर ना, वो गरीब व्यक्ति के लोग उस पार थे, उनकी जमीनों लोग अधिकरण किए, कब्जा किए, आज जिसकी जिसकी जमीन है, चलिए दो चार लोग हैं मेरे पास, मैं उनको आपसे मिलवा भी दूंगा। मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती कब्जा किए उन लोग आश्रम वाले? हाँ आश्रम वाले। तो प्रधानमंत्री तो उधर ही गए, अब मुख्यमंत्री जी मिले हुए हैं, क्या किया जाए सर? देखिए जितने मतलब महाराज लोग हैं ना, उन पर बीजेपी बहुत खुश है, और वही पार्टी है केवल साधु संतों की। साधु संत देखिए सांसद हैं, तो विधायक है, मठ में रहना चाहिए। वो मठ छोड़कर वो सांसदी विधायकी कर रहे हैं सर, उन्हीं के पार्टी में हो गया ना। अधिग्रहण क्या गरीब लोगों का जमीन जबरदस्ती ले लेकर उस पार था ना? गढ़वा जबरदस्ती ले आ गया सर। फिर वो कहाँ गए? कहाँ सर, वो 10,000-5,000 देकर हटा दिए हैं बेचारे, जहाँ कहीं मड़ी लगा कर पड़े हुए हैं, कहीं छोड़ के गाँव चले गए, तो कोई किसी के पास जमीन ऊपर था, वो मकान बना कर रह रहा है आज तक। उन लोग केस वेस नहीं किया? कैसे ले लेंगे सर, इन लोगों के पास इतना सोर्स है, बेचारे गरीब आदमी कहाँ लगा पाएगा? ये लोग जाएंगे वहाँ 1,00,000, तो बेचारा 100 रुपए आने में कुछ सुनवाई आज की डेट में नहीं होने वाला है सर। तो वो कौन से समाज के थे सर? निषाद समाज के सर, सहानी परिवार सर, वहाँ पर 101% पाइएगा। इस ये जगह देख रहे हैं सर, सामने से लेकर पूरे मतलब मुरारी चौक के इधर तक अधिक सहानी में पाइएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमने अपने आत्मा से बगैर कहे बगैर सुने बगैर कन्वेंसिंग का महात्मा मोदी जी को जीत के लाए, इसलिए लाए क्या? क्या जो हमको उछाल फेंकने का समय पहले से नहीं पता था कि बंदरगाह बनाया? नहीं बना है, और ये भी पता था कि उनकी जमीन हो गई है, आज फैलना शुरू किए हैं लोग, फैल रहे हैं। हमारी समस्या बस इतना है कि ये जो बंदरगाह बन रहा है उसमें हमको उजाड़ा न जाए। आप ये जो हम लोग के क्षेत्र में बंदरगाह बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है, हुआ ये कि हमारे यहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने ट्रिक दिया
कि आप जाइए, आप चाहेंगे तो, क्योंकि देखिए जो गांव में रहता है उसको अच्छी तरीके जानकारी है कि कौन कैसे क्या है, तो वो जानते थे। तो उन्होंने लेखपाल को लिया और पूरा ये कर दिया कि इधर जितनी आसान से ज़मीनें मिल जाएंगी उधर बनास में उतनी आसान से नहीं मिलेगी। उसमें दो फैक्टर, पहले वहाँ तो लंबा पूंजी मिल रहा है, जो सर्किल रेट है उधर का बड़ा हुआ है, इधर कम है, तो सरकार को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे रहे हैं अधिकारी लोग, इसलिए ये इधर गांव को परेशान कर रहे हैं, नहीं तो इस बंदरगाह में जो है ये गांव नहीं था। अब लोगों से यही कहा जा रहा है कि भाई आप जमीन लीजिए तो एक तरफ लीजिए, आप गांव को नुकसान में पहुंचाइए, लेकिन इन लोग का क्या है, लेखपाल यहाँ क्या एडीएम सर ने इसको बोल दिया है कि भाई आप जाओ, मुझे जमीन चाहिए उस एरिया में, इतना नहीं तुम्हें नौकरी छोड़ा दिया जाएगा। वो अपनी नौकरी बचाने चक्कर में आता है, पूरा गांव सर्वे करके आता है वो, और लिख पड़ जाएगा, कांडगो साहब आएंगे, एडीएम साहब को लेकर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मीटिंग बैठाएगा कि नहीं भाई हमको जमीन चाहिए। आप वो धमकी भी देता है कि अगर आप लोग जमीन नहीं दीजिएगा तो गवर्नमेंट फंड ट्रेजरी आपके खाते में लगवा कर खाते में पैसा लगवा देंगे, यहाँ आप लोग काम शुरू कर देंगे। तो अभी स्थिति ये है कि मान लीजिए आपको सब कुछ दे दिया गया और आज की डेट में दो महीने बाद आपका ना घर रहेगा ना कुछ रहेगा, क्योंकि आपको विस्थापित किया जाएगा, 4 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा, तब तब क्या होगा? पहले सुनिए, हम लोग ही बोलेंगे, आप टेप कर लीजिए, हम लोग बोलेंगे कि ऐसा है कि जो हम लोग उनको दिल से मांगते हैं तो खुद आएंगे हमारे गाँव में, या हम चक्का जाम करेंगे या घर में बुलाएंगे, ऐसा समाज जुटा करके वहाँ आएंगे, कह देंगे कि ठीक है आप लोग हट जाइए, आपको मकान देंगे, बिजली देंगे, पैखाना देंगे, खाने पीने के साधन देंगे, लाश फूकने का जगह देंगे, तो हम लोग हट जाएंगे, इतना बोलेंगे अपने मुंह से। हम लोग यहाँ से ये पृथ्वी छोड़ के रोजगार, हम लोग रोजगार मछली का गंगा जी में मछली मारना है, ये हम लोग हरदम यही मेन रोजगार। आप अपना वो देंगे इतना 3 लाख रुपया रिश्ता लीजिए, कहाँ जाएंगे फिर मछली मारने, कहाँ आएंगे मछली मारने, कहाँ आएंगे आप, कहाँ जाएंगे, कहाँ बस जाएंगे, तो हमारा धंधा तो चौपट हो गया, हम तो गंगा जी के सहारे हैं। और इस चीजें मतलब निषादों को ये मतलब गुमराह किया जा रहा है कि भाई आपको एससी में शामिल कर दिया गया है। बंदरगाह बन रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बढ़िया नहीं लग रहा, ये बढ़िया नहीं लग रहा। खजूर खाइए जब तक है, पेड़ भी जाएगा ये तो। अब हम लोगों का जो मूवमेंट है, गरीब सबसे बड़ी समस्या गरीबों के लिए, मान लीजिए उनके पास जमीन भी नहीं है और किसी तरह सरकार के ही अगर जमीन में वो घर बनाए हैं तो उनके लिए तो और बहुत बड़ी समस्या है। तब ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है कि सरकार पैसा के लिए कर रही है कि गरीबों के लिए सरकार कभी काम करती है? एक है मोहरा होता है, गरीब एक मोहरा होता है, लेकिन सरकार तो पैसों के लिए काम करती है और पैसे वाले ही सरकार बनाते भी हैं। अरबों खरबों रुपया जो आ रहा है सरकार का मंदिर से, वो कहाँ जा रहा है, किसके विकास में जा रहा है बताइए? वो सब वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जा रहा है, उन्हीं के विकास। समाज के लोग अधिकतर तो भाजपाई को वोट देते हैं ना। अब देखिए भाजपा को निषाद समाज वोट देता है ठीक, लेकिन भाजपा का विवेक और ज्ञान कैसे मोल्ड करता है इसको, इस समाज को कैसे मोल्ड करना चाहिए, मोल्ड किया है, ले रहा है वो, लेकिन इसके जो हित की बात है वो नहीं सोच रहा है। जिनको ज़्यादा जमीन है, पैसा मिल जाएगा तो जा कर के व्यवस्था बना लेंगे, जो निहायत गरीब आदमी हैं वो तो और परेशान है कि हम लोग कहाँ जाएंगे।